जय महाराज। तुहां दी बहुत बहुत जय हो हमारे नरसिंह जी दी भी। देखो तुहें लोकें कल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिता हाँ दे वीडियो नूं ता इस झरोके दे प्रोग्राम नूं। झरोखा बहुत अगे अगे तक तुहें पुजाईता है ना। तो यह झरोखा रोखे का मतलब आला आला आल आला बोलते हैं दे ना। मकाना च होए महलों च होए किती होए भावें एक देखने का जरिया जिथी ते तुम्हें अंदर बैठी के बंद हो के बाहरली चीज़ा देखी सके। ता झरोखे कई बारी पहले युद्धां च बंदूकों करने बमबारी करने दे तीर चलाने दे काम भी आते थे। और देखो झरोखे का जेड़ा जे कन्ने एक लगदा शब्द आ झोका है ना। लगदा सू भी हाँ जी एक जे अखर इस पर अर्थां च देखो केड्डा फर्क है। झोका झोका यानी बेवकूफ तिसो जे कख पता नहीं लगे। तो एक ता भी जिथी ते जे सू सारी दुनिया का पता लगे एक जेड़ा से झोका तिसो जे कख पता नहीं लगे। तो जेड़ा झरोखा इस कल बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दिते सभी लोगों। देखो एक ता अनिल चंदेल जी हैं है ना। ये बहुत अच्छे हमारे जूनियर थे बहुत अच्छे। ये ड्रामे ड्रूमे च भी हिस्सा लेंदे थे। फिर रामलीला च सीता का पार्ट करते थे। मेल होंदे हुए फीमेल करैक्टर बहुत अच्छा निभाते थे। दूजा कमेंट सचिन भारद्वाज लकी बोलते ना नू यहाँ। तो अजकल ये साइकिलिंग करते बहुत दूर दूर जाए के बिलासपुर के दर्शनीय स्थलों पर जाते कान बंदले जाए दे कान किसी किले पर जाए दे मलौन जाए दे कान बछरेटू जाए दे है ना। तो ये तिथि दर्शन भी कराया दे आपू हिस्सा भी लिया दे। पीछे जे ने MTB शिमले भी हिस्सा लिया हूँ पिछे जो हमीरपुर होया उ भी हिस्सा लिया। हमीरपुर ने सैकेंड प्राइज लिया। तो देखो सारिया अखबारों से सारे मीडिया से छाए हुए इस शालिनी बरवाल यहाँ दे महेंद्र सांख्यान जी हैं तिना की बेटी है। महेंद्र सांख्यान जी बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे लंबी लंबे तगड़े जवान खूब हाइट है ना। क्रिकेटर हॉकी दे प्लेयर और रामलीला च राम दा पार्ट भी करते रहे बहुत अच्छा राम दा पार्ट। ये सुनंदा गौतम जी देखो ये टीचिंग जॉब च हैं। ता ये सतीश मामू और दी सिस्टर हैं। सतीश मामू फुटबॉल दे बहुत अच्छे प्लेयर रहे कोच रहे। संजीव शर्मा जी इन्हें कमेंट किया ये HPU च हैं। आमने सामने तुम्हारी कभी मुलाकात नहीं हुई लेकिन बहुत अच्छे कमेंट दिते ने भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है ना। इससे यहाँ सारे बिलासपुरियों कैलोरियों काफ़ी फायदा पुजना एक दूजे कन्ने जोड़ होना मेल मिलाप होना तो कुछ सीखना कुछ सिखाना अहें सीखना भी था अहें तुहें लोगों से सीखते जो सीखते। ये देखो सची ईसा भी बहुत अच्छे कमेंट किए है ना। ये ड्राइंग टीचर ही और ड्राइंग करे दी इन्हां दे हस्बैंड लैक्चर हैं है ना। PhD हैं डॉक्टर हैं। एक KL गुप्ता और देखो पपरोले ते कमेंट किया इन्हें है। देखो महाराज ये पपरोले बसे गुरे इन्हां दा पूरा नाम कश्मीरी लाल गुप्ता। जेडे पुरानी पीढ़ी के लोग इसे बहुत अच्छे तरीके ने जानते इन्हां नूं रेडियो स्टेशन पर भी गाते रहे है ना। ये महाराज इन्हां पार्टी थी बन रही अपने देखो ये राम लाल ठाकुर हो रही माननीय मंत्री जेडे मारे कांग्रेस दे थे से भी गांधे भी थे। देखो बहुत अच्छा गांधे थे इन्हां दे ग्रुप थे बन रहे। अक्षर सिंह परमार और थे ये रेडियो स्टेशनों पर थे गांधे थे बहुत अच्छे अच्छे गाने गा रहे ने है ना। काली एक ये अक्षर अक्षर और जितेड़े थे इन्हें काली घगरी का ले आया वो बहुत अच्छे गाने है ना। तो KL गुप्ता जी दे ये मारे तो बहुत सीनियर थे किशोर लाल गुप्ता जी ये कश्मीरी लाल गुप्ता जी। पर इन्हें छोटे जोड़े ब्रदर हैं सुमन गुप्ता जी ये सुमन गुप्त चामड़ू
ये मारे सीनियर हैं, ये भी गजलां गाते, बहुत अच्छी गजलां गाते। इन्हां दे फादर बहुत शरीफ, बहुत बड़ी मूर्ति, सदा मुस्कान रही, औले औले मठे मठे गलाना। तो ये सदा प जेडे कोषाध्यक्ष दे पादे सीनागिर है, भावें रामलीला दे ते भावें लक्ष्मी नारायण मंदिर दे, बड़े ईमानदार, कदी प्यासे दी हीरा फेरी नहीं, है ना। तो ये असें सारिया ये बिलासपुर दी जेड़ी मूर्ति इन्हां कन्नै मिलांदे रहना, तो हुण थोड़े थोड़े रोज तो जुड़ाव तुहें रखना। ये राजेंद्र सिंह चंदेल जी भी कल बहुत अच्छा कमेंट किया। ये राजेंद्र सिंह चंदेल जी मारे कन्ने कॉलेज पढ़ते थे, मारे सहपाठी है, और इलेक्ट्रिसिटी विभाग से ये एक्सीन दे पत्ते रिटायर हो रहे, और हूँ भी बहुत एक्टिव हैं, और ये मीडिया पर भी है ना। तो चलते चलते हूँ एक छोटी जी कविता सुनाई देंगे, सुहाई दी सुहाई पर ही है, चूल्हे की सुहाई पर। अजकल तो सुहाई मिलती है नहीं, हाँ चूल्हे की सुहा नहीं मिलती, गैसा का जमाना आई गया भाई, हूँ अगे बधी हुए हूँ जमाने से, है ना। पर पहले सुहा आनू अवेलेबल हो जाती ही घर च, चूल्हे बलने तो सुहा, रोटी भी सुहाई ने मंडूरी होंगी ही, है ना। कोई छलियां रोटी होए, फुलका होए, अच्छा किसी इस सुहाई चाहें आलू भी दब्बी देंगे थे, कुछ आलू भी दब्बी देंगे थे, शक्कर कद्दियाँ भी दब्बी देंगे थे, है ना। और तीनों पट्टी के क्या मजा आता तुम्हारा दिखाने का, तो कमाल है ना। तो सुहा चूल्हे री काम बड़ी आँगी, सुहा चूल्हे री काम बड़ी आँगी, गाली पुराणी खा चूल्हे री, खांगो पुराणी काफो गाड़ा, छुटदानी हो गलेरा ओड़ा, चुटकी पर सुहा शायद नहीं खा, और पा छुटकारा। देखो इतनी मतलब चूल्हे की सुहा ये नेड़े तेड़े होंगी थी, आंदे जड़े आयुर्वेद है ना, तो झड़ियाँ ही दवाई हैं ज्यादातर, जड़ियाँ सानू या मसालदानियों मिली जाए, या रसोई मिली जाए, या आले दुआले मिली जाए, फट उत्ती तो लिया छोटा मोटा अपना जोड़ा इलाज उपाय आपू ही कर लेंगे थे, है ना। तो ये जी सुहाई ये जड़ा कफ गाढ़ा कफ हो या फुफ आखिर गले च बड़ा अड़ा हो तो छुटदा नहीं हो, शहद दे कन्ने लेके आसानी नहीं छुड़ा जाती, मजा आ जाता। खांगो पुराणी काफो गाढ़ा, छुटदानी हो गलेरा ओड़ा, चुटकी पर सुहा शहद ने खा और पा छुटकारा, खंग जोरे ने थुक गुल्फा, है ना। सुहा चूल्हेरी खार पुराणा, कोल पानी च फट पी जाना, जे एसिडिटी आते पीछा छुड़ाना। देखो दूजा उपयोग हो, ये जी सुहाई एक खार है, क्षार होंगे ना, है क्षारे अहें पहाड़ी खार बोल देंगे। तो खार जड़ा जो पेटे एसिडिटी हो जाओ, एसिड हो जाओ ज़्यादा, अम्लता हो जाओ ज़्यादा, तो थोड़ी जी सुहा गिलासे पाई दो चुटकियाँ भर, है ना, दो तीन चुटकियाँ पाइया, निथरने की धार निथरी के जरा उपर पानी आ, दूजे गिलासे पाई लिया, कहीं पी लिया, फट एसिडिटी से छुटकारा, है ना। तो ये खार बहुत तेज खार भी नहीं होंगे, हल्के खार होंगे, और क्योंकि चूल्हे च लकड़ी जल्दी, तो लकड़ी है खार जड़े ये तुम्हारे जड़े बनावटी खार है तिना बधी आते। तो ये हूँ तीजा उपा जड़ा इसका प्रयोग आ, छोटे मोटे मस्से मौके, ये जड़े आते मस्से मुस्से हो जाते, है ना, इन्हों पर सुहाई रे टुपके झाड़ दे सकोई के, सुहाई कमेरी पर आज कितनी मिलती सुहाई वाली रोटी। छोटे मोटे मस्से मौके, सुहाई रे टुपके झाड़ दे सकोई के, सुहाई कमेरी पर आज कितनी मिलती सुहाई वाली रोटी, आज नहीं मिलती सुहाई वाली रोटी। देखो ना तो हूँ अवेलेबल ही नहीं, तो क्या करना, सुहाई वाली रोटी भागों वाले मिलती सुहा चूल्हे, है ना। तो चूल्हे की सुहा भी हूँ भागों वाले मिलती। तो चलते चलते एक छोटी जी होर गप सुनाते तुहानू। देखो अमरीका ने एक यान छड़ा था, खोजी यान सूरजे तक पहुँचने वास्ते, तो सूरजे के पहुँची ऐसे कमाल, है ना। देखो सूरजे च कितनी गर्मी होंगी, मतलब कितना डिग्री सेंटीग्रेड, मेरा हजार 2000 ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड तो उपरला
ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤਿਨਾ ਤਲ ਆ ਸੂਰਜ ਦਾ ਇਸ ਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਪ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਯਾਨ ਭੇਜਿਆ ਤਾ ਤਾਂ ਸੇ 2 ਲੱਖ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਲੀ ਸਕਦਾ, ਇਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਸੇ ਸੂਰਜ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਗੁਰਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਤਿਸ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਪਰ ਖੋਜਬੀਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਉੱਪਰ ਯਾਨ ਉਤਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਘਟਦਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਖਬਰਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜੇ ਸੇ ਯਾਨ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਬੁਝਾਈਤਾ ਔਰ ਏਡੀਆ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਇਸਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹਨੇ ਕਰੀ ਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਟੰਗ ਅਡਾਉਣੀ, ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਅਡਾਉਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਬੋਲੇ ਪਾਉਂ, ਵਿਕਾਸ ਬੋਲੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਨਾ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਲਿਆਉਣੇ ਖਾਤਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਇਕੱਠੇ, ਇਹ ਲੀਕ ਹੋਈ ਗਏ ਲੈਬ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ। 2 ਸਾਲ ਮਾਰੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਬਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਛੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਖਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖਾਤਰ ਬਥੇਰਾ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ। ਜੈ ਹੋ ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੈ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭੀ ਦੀ, ਜੈ ਹੋ।